हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड क्राफ्ट। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक जो अम्ब्रेला कट फ्रॉक होती है उसकी ड्राफ्टिंग। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़ा आपने ले लेना है। तो 2.5 मीटर कपड़े में आपकी जो मीडियम साइज की फ्रॉक जो है वो बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सीधा जो है कपड़े को डबल फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे। अब जब हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है तो उसके बाद हमने एक कोना पकड़ना है। चाहे आप ये वाला कोना पकड़ो, ये वाला कोना पकड़ो, वैसे अगर ये वाला कोना पकड़ोगे तो वो बहुत अच्छे से आपकी जो फ्रॉक है वो कटेगी। यहां से आप पकड़ेंगे और इसको पूरा क्रॉस कर देंगे। बहुत इजी तरीका होता है अम्ब्रेला कट फ्रॉक कट करने का, बिल्कुल भी टफ नहीं होता। तो इसको पूरा हमने घुमा के यहाँ पे ले आना है, देखिए इस तरह से। और इसको पूरा हम इस तरह से बराबर करके और इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हमने पूरा प्रेस कर दिया। अब ये तिकोनी शेप में आ गया। ठीक है, तिकोनी शेप में आ गया। ये देखिए इस तरह से हमने पहले कपड़े को डबल किया, फिर एक कॉर्नर ये वाला पकड़ा, ओपन कॉर्नर ही लें आप, और क्लोज वाली साइड को पकड़ के इस तरह से इसको टर्न कर दें। ठीक है, ये हमने टर्न कर दिया। अब क्या करना है, देखिए जो ये ऊपर वाली साइड है ना, यहां से निकलेगी हमारी कमर और नीचे जो घेरा आएगा। ठीक है, अब कमर यहां से निकलेगी। तो ये 2.5 मीटर कपड़े में आप इस तरह से पूरी अच्छे से फ्रॉक बना के रेडी कर सकते हैं। अब देखिए कमर कैसे निकालनी है। जैसे ये 4 लेयर में कपड़ा आ गया, अब आपकी अगर 40 इंच जो है आपकी, अगर अब जिनकी कमर अगर 36 है, 40 भी हो सकती है, बट जिनकी कमर 36 है, तो 36 वाली कमर वाले क्या करेंगे, इसको 36 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 36 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 हमने जो है यहां से चौड़ाई रखनी है। ये 4 लेयर में है तो हम इस 4 लेयर में 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 करेंगे तो वो 36 ही बन जाएगा। अब हमने 1 लेयर में अगर इसकी जो मार्किंग करनी है तो हमने 9 मार्किंग करनी है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से मेजर कर लेना है 9। जैसे इंची टेप आप रखोगे इस तरह से आपने मेजर करना है 9। पर उसके लिए ये साइड और ये साइड दोनों बराबर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साइड लंबी हो जाए एक साइड छोटी हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे यहां से अगर 9 रखना है, मान लो ये 9 है, तो आपका इधर भी ये इतना ही बराबर आना चाहिए और इधर भी इतना ही बराबर आना चाहिए। ठीक है, दोनों साइडों पे बराबर आना चाहिए, ये एकदम से इक्वल लाइंस का ट्राइंगल बनना चाहिए। ठीक है, अब जब इस तरह से आप इसको बना देंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हल्की सी गोलाई दे देनी है। इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे, हल्की सी गोलाई दे देनी है ताकि इसको एक गोल सा शेप इसका बन जाए। ठीक है, उसके बाद ये आपकी कमर निकल गई, जितनी आपकी कमर है वो यहां से निकल गई। तो बस आपने इसको डिवाइड कर देना है 4 से। जितनी भी आपकी 40 कमर है तो डिवाइडेड बाई 4 10 आ जाएगा, 36 है तो डिवाइडेड बाई 4 9 आ जाएगा, अगर 32 है तो डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 4 32 होता है तो 8 आ जाएगा। तो जितना भी आपका यहाँ पे डिवाइड करके आता जाएगा आपने उसको यहाँ पे लगाते जाना है। तो अपनी जो आपने यहाँ एक्चुअल आपकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे आपने लगा देनी है। आप देखिए जिनकी 36 इंच है उनके यहाँ पे 9 आया, 9 9 को आप, ये देखिए ये 4 लेयर में है, 2 लेयर ये है, 2 नीचे वाली है, तो ये 4 लेयर में है, तो 9 को 4 टाइम प्लस करोगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे, इस तरह से ओपन करोगे तो ये पूरा जो है गोलाई जो इसकी आएगी वो 36 आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टर्न कर देंगे। और अब देखिए अब हमने क्या करना है, ये तो हमारी कमर निकल गई, अब हम कमर से अपना मेजरमेंट लेंगे कि हमें फ्रॉक की लेंथ कितनी रखनी है। ठीक है, तो जितनी भी आपको फ्रॉक की लेंथ रखनी है इसको यहां पे आप मार्क कर लीजिए, जितनी भी लेंथ रखनी है ऑलमोस्ट ये उतना ही टर्न होता है, यहां पे आपकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे अब यहाँ पे लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं, एक साइड से इतना छोटा रख देंगे एक साइड से लंबा कर देंगे तो भी फ्रॉक जो है वो एग्जैक्ट नहीं बैठती है। अब देखिए यहाँ से हम मेजरमेंट लेते हैं तो ये 11 पे आ रहा है, यहाँ पे ये मैं इंच इससे ले रही हूँ, स्केल से ले रही हूँ, ये 11 पे आ रहा है, तो हमें इक्वल 11 इस तरफ पे भी लगाना है। ये देखिए इक्वल 11 हम इस तरफ पे भी लगा देंगे और इक्वल ही 11 हम यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक है, अगर आप यहां से जो आपने कमर की मार्किंग की है यहां से नीचे लोगे तो 11 आएगा, बट अगर पूरा ऊपर कोने से लोगे तो 14 आएगा।
मतलब ये इतना पोर्शन निकाल के ही आप अगर मेजरमेंट लेंगे तो भी बराबर आएगा। अगर आप इस कोने से लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, इस कोने से ही पूरा ले लीजिए पहले, फिर उसके बाद कमर निकाल दीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है इसमें लोग सीधा सीधा कट कर देते हैं तो भी दिक्कत आती है। इसको हल्का सा गोलाई में रखना है, ये जो कमर वाला पोर्शन है हल्की सी गोलाई में रखना है। चलिए अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से, इनको भी थोड़ा सा हल्का हल्का सा राउंड शेप में मिलाना है, ठीक है। तो ये हमने मिला दिया, ये हमने मिला दिया यहां से, ठीक है। अब देखो आप यहां से ये हमारी कमर निकल गई और यहां से हमारा घेरे का पोर्शन निकल गया, तो इसको अब हम कट कर लेते हैं पहले। चलिए अब इसको कट कर लेते हैं, यहां पे जो हमने पहले यहां इसको मार्क किया है इसको एक राउंड सा शेप देते देते हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। ये कट कर लिया, अब उसके बाद हम यहां से अपना ये जो अम्ब्रेला हमने नीचे से कट किया है घेरा, इसको कट कर लेंगे, ठीक है। रखना इसको आपने बराबर है, अब ये वाला पोर्शन ऊपर से निकला है और ये वाला नीचे से, तो अब देखिए इसको तो वेस्ट हो गया। अब इसको जब हम ओपन करेंगे ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये फ्रॉक का जो ये हमारी कमर आ गई, अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा राउंड सा आ रहा है इस तरह से, तो इसको हल्का सा राउंड में रखना है, और ये आ गया हमारा नीचे से पूरा घेरा, ठीक है। अब ये तो हमारा जो है नीचे का घेरे का पोर्शन कट गया, अब पीछे हमारा बचा ये वाला एरिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस जगह से चोली की कटिंग कर सकते हैं बहुत इजीली, हटा देते हैं इसको, नीचे का हमारा घेरे का पोर्शन कट गया है। अब देखिए यहां से भी चोली कट सकती है इस तरह से, इसको इस तरह से डबल कर दीजिए, ये जो पोर्शन निकला हुआ है यहां से भी आप चोली की कटिंग कर सकते हैं। यहां से आर्म आर्म होल इधर से निकल जाएगा, आगे इधर से फिटिंग, ठीक है, अगर आपके पास कपड़े की कमी है तो। बट अगर कपड़ा ज्यादा ज्यादा है तो इसको आप यहां से इस तरह से फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं। यहां पे देखिए इस तरह से फोल्ड कर दिया, अब ले लेंगे यहां पे मेजरमेंट फिर से। देखिए जिनकी 14 इंच जिनका शोल्डर होता है तो 7 इंच यहां पे हम शोल्डर ले लेंगे, 14 इंच जिनका शोल्डर होता है, उसके बाद 7 इंच पे हमने शोल्डर ले लिया। तो अब उसके बाद जो आर्म होल लेंगे हम वो भी 7 इंच। अब आप आर्म्स अगर अटैच कर रहे हो तो 7 इंच, अगर आर्म्स नहीं अटैच कर रहे हो तो यहाँ पे 6.5 ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये आर्म होल, यहाँ पे हम इसको बढ़ा देंगे आगे फिटिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे अगर हम 10 मतलब 9 सॉरी जो हमारी सीने की फिटिंग है वो 10 ले लेंगे यहाँ से, और कमर हमारी 9 है, तो इसको अब हम एक राउंड सा शेप दे देंगे आर्म होल का। अब उसके बाद ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन, ये फिटिंग की लाइन, ये एक्स्ट्रा मार्जिन। अब उसके बाद यहां से आप जो लेंथ है 15 इंच मार्क कर लीजिए, ठीक है। 15 इंच हम यहां से लेंथ मार्क कर देंगे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा 15 इंच। अब यहां से जो हमारी ये कमर है कमर आ जाएगी 9 इंच, ठीक है। जो हमारा आर्म यहां पे ये नीचे का पोर्शन है ये 9 इंच आ जाएगा। अब यहां से इसको मिला देंगे और इसको हम ऊपर फिटिंग वाली सिलाई के साथ मिला देंगे, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक हमने लेना है 2.5 इंच, यहां से नेक ले लेंगे, आपने जितना भी ब्रॉड रखना है या जितना भी लॉन्ग रखना है, और 6 इंच हम जो है फ्रंट जो नेक ले लेते हैं, फ्रंट नेक 6 इंच, बैक आप डीप रखना चाहते हैं डीप रखिए, ठीक है। अब ये हमारी जो है हो गई मार्किंग, और जो फ्रंट आर्म होल है उसको हम थोड़ा सा डीप रखेंगे, तो यहां पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये आ गया हमारा यहां से कमर कटिंग कर लेंगे। अब यहां पे ये जो हमारा फ्रंट नेक है इसके अकॉर्डिंग ही हम बैक नेक को कट कर लेंगे। अब इन दोनों को हम अलग कर देंगे, और यहां पे जो फ्रंट आर्म होल है उसको हम थोड़ा सा डीप करेंगे, तो ये देखिए यहां पे मैं इसको थोड़ा सा डीप कर रही हूं, ठीक है। तो ये फ्रंट जो हमारा आर्म होल है इसको मैंने थोड़ा सा डीप कर लिया।
एंड अब जो बैक नेक है इसको अगर आप थोड़ा डीप करना चाहते हैं, जैसे फ्रंट हमने 6 रखा है, बैक आप यहाँ पे 8 इंच रख लीजिए, तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक नेक दोनों कट गए। ठीक है, फ्रंट एंड बैक पल्ला दोनों कट गए हैं, इसको कर लेंगे ओपन। और हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है 2-2 इंच, और यहाँ पे अब देखिए ये आ गया हमारा नीचे का फ्रॉक का पोर्शन, जो घेरे का पोर्शन है। अब देखिए जब आप इसको इस तरह से रखेंगे तो ये गैप आ रहा है, अब ये कागज है तो ये खुलेगा नहीं, बट जब कपड़ा होगा तो वो पूरा इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से सीधा हो जाएगा और नीचे इधर प्लीट आ जाएंगी। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से पूरे में प्लीट्स आ जाएंगी जब आप इसको सीधा करोगे कपड़े को, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा चोली में, और नीचे का हमारा घेरा जो है, जो फ्रॉक का घेरा है, वो इस तरह से अटैच होगा। वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी है इसकी कटिंग करना फ्रॉक की, अम्ब्रेला कट फ्रॉक की, और बस इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब एक चीज़ आपने करनी है, ये जो साइड्स आती है ना, इनको थोड़ा सा ऊंचा करना होता है। इससे क्या होता है, अगर आप इसको सीधा रखोगे ना तो ये वाले जो कोने हैं ये नीचे नीचे की ओर हो जाते हैं, और फ्रॉक लटकी लटकी सी, इधर से लटकी लटकी सी रहेगी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से 1/2 इंच इसको ऊपर की ओर कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहां से इसका 1/2 इंच का जो कपड़ा है इसको इस तरह से निकाल देंगे। तो ये वाला इतना जो कपड़ा है इसको मैंने यहां से डीप कर दिया ऊपर की ओर। अब जब आप इसमें फ्रॉक अटैच करोगे तो ये एकदम से राउंड अटैच होगी, बहुत सीधे सीधे से अटैच होगी ये। तो यहाँ पे हमने ये कट कर लिया है। अगर आपने जो स्लीव्स हैं वो लगानी है तो 7 इंच, मतलब जितना आपका शोल्डर है उतना ही आर्म होल रखिए, बट अगर आपने स्लीव्स अटैच नहीं करनी है तो 1/2 इंच जो है वो आर्म होल कम रखिए शोल्डर से। जैसे 7 इंच अगर आपका शोल्डर है तो यहाँ पे 6.5 इंच जो है आर्म होल रख लीजिए। ठीक है, अब ये वाली हमारी जो कटिंग पूरी हो गई, तो इस तरह से हमने यहाँ पे अम्ब्रेला कट फ्रॉक की कटिंग करी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अगर इसी तरह के और वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं और वीडियोस इसी तरह से जाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।